हाय एवरीवन, माय नेम शिवांश भसीन। वेलकम बैक टू दिस चैनल द इन्वेस्टर लॉजिक। सो गाइस, आज की मार्केट हम लोगों को ज्यादा बोरिंग देखने को मिली है। पूरे टाइम एक साइडवेज मार्केट ट्रेंड था एंड इंडिया विक्स आप चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट 5% तक बढ़ा था। तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज होनी थी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग विद इन अ डे और टू एक मोमेंटम चेंजिंग भी हमें देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। सो आज कुछ स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दी है और कुछ स्टॉक्स ने नहीं दिए, बट मैं आपके सामने आज 3 स्टॉक्स रखने वाला हूँ जो विद इन अ डे और टू या इस वीक के अंदर आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न दे सकती है अगर मार्केट स्टेबलाइज होती है, और आप इनमें एक ऑप्शन ट्रेड भी लेकर चल सकते हो और आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। तो एक बार चेक करते हैं इनको भी एंड निफ्टी बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी में मैंने अभी वीकली चार्ट ओपन करवाया है एंड दिस इज आर ऑल टाइम हाई जो कि 18,595,600 के आसपास है एंड इट्स रीसेंट हाई जो हम चेक कर सकते हैं, दैट शुड बी अराउंड 18,400 रुपीज का। सो ऑलमोस्ट येस, वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। अब बात आती है इस पर्टिकुलर रेंज की, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन अगेन। तो अब बात आती है इस पर्टिकुलर रेंज की, तो आप चेक कर सकते हो कि इस लाइन के ऊपर अभी तक हमें एक वीकली क्लोज देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 11 अक्टूबर 2021 पे ये पर्टिकुलर लेवल पे आया था, एग्जैक्टली यहाँ से एक साल पहले, एंड उसके बाद एक नेक्स्ट वीक जो था वो एक गैप अप था, हल्का सा ऊपर एक उसने एक रीसेंट हाई क्रिएट करा एंड एक फॉल कंटिन्यूस ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अगेन इट ट्राइड इट्स बेस्ट कि इसके ऊपर जा पाए, बट रिजेक्शन मिला, अगेन एक फॉल आया। सो अभी एग्जैक्टली उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो जहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस फीस होने को मिल सकता है। अब चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप चेक कर सकते हो कि ये 2 दिन तक लगातार ऊपर एक बियरिश कैंडल के साथ ही फॉर्मेशन था, एक गैप अप था, बट एक नीचे ही क्लोजिंग आ रही थी। सो अगर कुछ इस तरीके का हमें आज के लेवल्स पे अपकमिंग विद इन अ डे और टू अगर हमें देखने को मिलता है, सो वहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक दोबारा डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकती है ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एंड शॉर्टर पीरियड के लिए, क्योंकि यही एग्जैक्टली एक मेजर रेजिस्टेंस है ना कि ये। ठीक है, सो ये चीज हमें चेक करनी होगी एंड आज एग्जैक्टली फर्स्ट कैंडल तो उसी तरीके से फॉर्म हुई है जिस तरीके से हम लोगों ने चेक करा कि एक गैप अप एंड एक नीचे की तरफ आई है। सो कल की मार्केट में हमें एक डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा, हो सकता है कि कल भी शायद एक गैप अप आ जाए एंड आफ्टर दैट एक इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, इस पर्टिकुलर रेंज के आज के लो के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, सो वहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट शायद एक छोटा मोटा डाउनफॉल ले सकती है। इसके अलावा एक ह्यूज गैप अप हमें देखने को मिला था एंड इस कैंडल का मिड लेवल भी आज की कैंडल का लो है, सो वो अगर ब्रेक होता है तो यस डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन कैरी ऑन हो सकती है। एक बार यूज करते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो आप चेक कर सकते हो कि अगर जैसे ही मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि अगर ब्रेक होते हैं तो डेफिनेटली अच्छे लेवल्स आ सकते हैं, बट हमें ऑन अ अपसाइड चेक करना पड़ेगा कि कौन से मेजर लेवल्स है जिनके ऊपर हम एक बाइंग बना सकते हैं, बट एक अर्ली एग्जिट पोजीशन भी बना सकते हैं। ठीक है, बिकॉज 18,400 से लेके 18,600 की जो रेंज है, वो रेंज आपको मैंने अभी वीकली चार्ट्स एंड डेली चार्ट्स दोनों में दिखाई है कि वहाँ पे एक बियरिश कैंडल का ही फॉर्मेशन है, वहीं से एक पॉसिबल रिवर्सल स्टार्ट हुआ है। तो वो रेंज एक ज़्यादा वॉलेटाइल रेंज हो सकती है एंड वहाँ पे बड़े बड़े हम लोगों को आप फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एंड रिजेक्शन देखने को मिल सकते हैं, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग रह सकती है। ठीक है, सो अगर एक चीज हम कर सकते हैं, अगर कल 18,400 के ऊपर ब्रेकआउट आता है, लेट से कल इसके ऊपर एक ब्रेकआउट आता है एंड एक कंटिन्यूस ट्रेंड स्टार्ट होता है, सो हम इस लेवल का शॉर्ट कर सकते हैं पुट को एंड एक 18,600 का भी पुट कॉल को हम शॉर्ट करके चल सकते हैं, बिकॉज दिस मेजर लेवल, और हम एक कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं जो कि एट द मनी का होगा। ठीक है, तो वहां पे हम अपने एक रिस्क लेकर चल सकते हैं, बट वो चीज हम डिसाइड करेंगे जब इसका ब्रेकआउट आएगा, अदरवाइज वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसका ब्रेकडाउन आ सकता है एंड कुछ लोअर लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सेम गोज विद बैंक निफ्टी, लेट मी जस्ट शो यू, सेम लेवल है, यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला था, क्रिएटेड अ डबल टॉप, टारगेट हिट हुआ एंड आफ्टर दैट अ ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो ये लेवल अगर 41,950 के आसपास है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन येस वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड फॉल जो कि ये इस पर्टिकुलर गैप डाउन फिलिंग पे हमारी मदद कर सकता है एंड इस लेवल तक कंटिन्यूसली आ सकता है। इसको चेक कर सकते हो, दिस शुड बी आर सेकेंड टारगेट एंड दिस शुड बी आर फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो ये 2 टारगेट्स के बेसिस पे हम लोग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। सो बैंक निफ्टी निफ्टी के अकॉर्डिंग ही चलेगा, याद रखना निफ्टी अगर
18,400 को ब्रेकआउट देती है, तो हमें बाइंग स्ट्रैटेजी उसी पे बनाना है रादर देन बैंक निफ्टी, एंड सेलिंग हम दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। सो सबसे पहला स्टॉक है कोफोर्ज। लेट मी ओपन अ वीकली टाइम फ्रेम फॉर यू ऑल। सो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम आप चेक कर सकते हो, इट क्रिएटेड अ वेरी गुड डबल बॉटम ऑन अ रिट्रेसमेंट साइड। मैं एक बॉटम से लेके टॉप तक का फिबोनाची अगर ड्रॉ करता हूँ तो एग्जैक्टली एट 50% रिट्रेसमेंट इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो। और जो इसकी नेक लाइन है इट अबाउट टू गिव अ ब्रेकआउट, एंड टुडे सिनेरियो ऑलरेडी गिवन अ ब्रेकआउट। ठीक है, सो अगर मैं इसको इस लेवल पे लेकर आता हूँ, क्योंकि बेसिकली क्लोजिंग हम लोगों को इसी लेवल पे देखने को मिली है। आफ्टर दैट अगर आप चेक करोगे तो एक 50 लेवल से आप अपने RSI पे चेक कर सकते हो, ऑन अ 50 लेवल से ही ऊपर गया था इस लेवल पे, इट टेक अ रिट्रेसमेंट एंड अगेन इट्स ट्राइड टू गो अप। सो आई थिंक मार्केट एक बुलिश फेज में आ चुकी है, इस पर ये पर्टिकुलर स्टॉक एक बुलिश फेज में आ चुका है एंड ये अच्छी मोमेंटम दे सकता है। पर्टिकुलरली इसके अलावा इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर कल ये थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है, दैट शुड बी अ ग्रेट साइन टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बिकॉज ऑन अ डेली चार्ट RSI थोड़ा सा ओवरसोल्ड कैटेगरी की तरफ जा रहा है, तो इट माइट बी कि ये थोड़ा बहुत पॉज ले सकता है। तो अगर हम इस पे एक स्ट्रैटेजी बनानी है तो हम 3600 का कॉल ऑप्शन सॉरी पुट ऑप्शन शॉर्ट करके चल सकते हैं, रादर देन कि अभी हम एक नेकेड ऑप्शन बाय करें। ठीक है, सो नेकेड ऑप्शन के लिए अदरवाइज अगर कल एक मोमेंटम आता है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सजेस्ट कर देंगे, दैट यू कैन फॉलो अस, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अदरवाइज हम लोग वेट करेंगे ऑन अ डिप्स के लिए और तब हम बाय करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज कोफोर्ज, सेकेंड इज BEL। लेट्स से कि मार्केट फॉल करती है एंड ये साइडलाइन चले जाता है और इसमें हमें कोई ट्रेड नहीं मिलता, सो BEL पे हमें एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेट मी ओपन अ 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो आप यहाँ चेक कर सकते हो कि ऑन अ वेरी गुड अपसाइड नाउ राइट नाउ इट्स क्रिएटिंग अ बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, ये इस रेंज के अंदर आ चुका है, इसने 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बहुत टाइम से सपोर्ट ले रहा है एंड मेजरली नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ही इसका ब्रेक डाउन कर सकता है और इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे भी जा सकता है। इसके अलावा RSI इज राइट नाउ ट्रेडिंग अबव 50, बट एक अच्छी चीज ये है कि जो आप ये एवरेज देख रहे हैं, जो लाइन आप चेक कर रहे हैं, लेट मी जस्ट शो यू दिस लाइन, आप देख सकते हैं RSI बेस्ड मूविंग एवरेज होती है। सो ये जो एवरेज आप देख रहे हैं इसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम, और अगर ये 50 के नीचे चले जाना स्टार्ट करता है और वी आर सीइंग दैट कि इट गिव अ ब्रेक डाउन एज वेल, तो हमें एक क्लियर ट्रेंड मिल सकता है एंड ऑलमोस्ट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 100-99 rupees तक इजीली जा सकता है। ठीक है, सो अभी इसका जो एक ऑप्शन का ट्रेड है आई थिंक 105 का वो ट्रेड कर रहा है पुट का 1.50 के आसपास, जो मैं आज चेक कर रहा था तो मैं देने वाला था बट मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली, दैट्स व्हाई आई हैव इट प्रोवाइडेड यू इन माय टेलीग्राम चैनल दिस और कोफोर्ज एज वेल। सो ये दो अपने माइंड में जरूर रखना है, ये शॉर्ट साइड के लिए है एंड कोफोर्ज इज फॉर लॉन्ग साइड। इसके अलावा एक लास्ट स्टॉक हमारा है डिक्सन, जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डिक्सन पर्टिकुलरली ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो, ये लाइन हमें इंडिकेट कर रही है कि इस लेवल के ऊपर से जब से फॉल आना स्टार्ट करे कंटिन्यूस शार्प ट्रेंड फॉल आया, जो कि जान 2022 पे आया था। आफ्टर दैट इट ट्राइड मल्टीपल टाइम्स बट हैवंट एबल टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर लेवल विच इज 26-27। सो राइट नाउ आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर इट क्रिएटेड अ प्राइस कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, इट्स क्रिएटेड अ प्राइस कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, इट गेव अ ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट के ऊपर आप ऊपर लेवल्स पे भी रिजेक्शन देख रहे हैं, लोअर लेवल्स पे भी रिजेक्शन देख रहे हैं, तो दिस इज द पर्टिकुलर रेंज। ठीक है, मैं इस रेंज को बना देता हूँ एंड अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ये निकल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन पे, तो हम अपना इस पे एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं। ठीक है, सो डिक्सन को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करेगा, अगर इट गेव अ ब्रेकआउट तो एक बड़ी रैली वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, सो इस 3 स्टॉक्स को आप फोकस करके चल सकते हो एंड हम इन्हीं पे अपना एक ट्रेडिंग ऑब्जेक्ट बना के चल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस एंड लेट्स सी कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है एंड मेक श्योर टू फॉलो द टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल एंड वहां पे आप लोगों को सारे अपडेट्स ऑन द ट्यूजडे मॉर्निंग मिल जाएंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।